हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ हम शेयर करते हैं छोटे छोटे से टिप्स। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। त्योहारों का सीजन पास आ गया है और सबसे पहले हमारा त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। आज के वीडियो में हम एक लुम्बा बनाएंगे, लेडीज राखी जिसे कहते हैं, हम अलग अलग वैरायटी के लेडीज राखी बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। लेडीज राखी यानी लुम्बा बनाने के लिए हमें देखिए जो जो चाहिए, कुछ मैंने अलग अलग वैरायटी की चीजें रख रखी है इसमें और हम इससे अलग अलग तरह के लुम्बे बनाएंगे। देखिए फ्लावर्स रख रखे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने छोटे मिनी फ्लावर्स आते हैं, वो है बड़े मोती बॉल्स रखे हैं यहाँ पे, देखिए आप छोटे मोती हैं, डोरिया है अलग अलग तरह की और बूटियां हैं, देखिए बड़ी बूटी है ये, देखिए थोड़ी सी अलग तरह की है ये बूटी, ये थोड़ी छोटी फैंसी बूटी है। इन सबको मिला जुला के हम अलग अलग वैरायटी के लुम्बे बनाएंगे आज। देखिए कुछ इस तरह से मैंने गोटा के फूल, रेडी फूल आते हैं ये फूल रख रखे हैं, ठीक है। लटकन, लेडीज राखी में लटकन देखिए बहुत सुंदर लगती है, तो रेडीमेड लटकन मैंने ली है, आप चाहे तो लटकन हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए रेडीमेड लटकन है, ये इस तरह से छोटी लटकन ली है, आप चाहे तो इस तरह से बड़ी लटकन भी ले सकते हैं, एक ये मैंने बड़ी लटकन ली है। इस तरह से जो भी आपके पास डेकोरेशन का सामान हो, जो आपके पास घर में सामान हो उससे आप बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम ये बड़ा वाला जो हमारा लटकन है, बड़ी लटकन, इससे बनाएंगे हम। इसके लिए देखिए बड़े फ्लावर लिए मैंने, गोल्डन डोरी। सबसे पहले हमें क्या करना है, डोरी लेनी है, अंदाजे से हम डोरी का एक साइज ले लेंगे जो हमारे लुम्बे के लिए हमें चाहिए, और जो हमारी ये लटकन है इसमें हम डाल के गांठ लगा देंगे। देखिए ये बहुत फिनिशिंग की बात है, आप देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ फिनिशिंग की है सारी चीज़ें। कोई भी काम करे तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि रेडीमेड हो, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हाथ से बना हो। ये देखिए इसमें गांठ लगा दी हमने और इसे गांठ को हमने इसके पास में ही रखना है, जो हमारा होल है उसके पास में ही, छेद के पास में रखना है हमें इस तरीके से, ठीक है। अब ये बूटी लेनी है और बूटी पर हमें इस तरीके से इसे चिपका देना है। देखिए ये बूटियों की बात ऐसी है, अगर आपके पास में कोई भी साड़ी पे लगी हो या कहीं से कोई बूटी आई हो या आपकी पुरानी राखी पे बूटियां हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नया ही लाना पड़ेगा, अगर आपके पास में किसी भी चीज़ पर लगी हुई बूटी है, एक सार दो बूटी अगर आपको मिल रही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने में। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे इस पर लगा दिया, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, बट इतनी सुंदर राखी बनेगी, लुम्बा बनेगा ये आप देखिए। और इस तरह की लटकन, छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे पास में हो, मोती हमारे पास में हो, तो आप लटकन भी हाथ से बना सकते हैं, और नहीं तो आजकल रेडीमेड लटकन बहुत मिलती है। इतना चिपकाने के बाद में हमें क्या करना है, दूसरी बूटी हम इस पर लगाएंगे। दूसरी बूटी लगाने के लिए कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर हम इस तरह से जो शेप है उसी शेप में हम ग्लू लगा देंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, ऊपर के हम कॉर्नर्स पे लगा देंगे। और जो हमारी बूटी देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर देंगे बूटी पे, उसे हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे, आपस में पूरा इस तरह से चिपकाएंगे कि बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो और लगे एक सारे। और नीचे का देखिए दो पोर्शन हमने छोड़ दिया है थोड़ा सा हमारा ये, ताकि फुला हुआ लगे और वहां से हमारा डिजाइन जो है वो दिखता रहे। ये देखिए आगे पीछे से अच्छे से चिपक गया है। अब हमें क्या करना है, मोती लेंगे हम और इसमें मोती पिरोने हैं। देखिए मेरा थोड़ा थ्रेड स्ट्रांग है इसलिए मैं डायरेक्ट ये धागा इसमें लेकर मोती इसमें आर पार कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की डोरी नहीं हो, कोई पतली डोरी हो वो भी चल जाएगी, कोई पतला रिबिन हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इस तरह से गांठ मार के हमें मोती पिरोने हैं।
चार मोती देखिए, इसमें बस सिंपल है, आर पार करना है हमें। ये देखिए थोड़ा टाइट है, आप देख रहे होंगे, थोड़ी डोरी बलेटे वाली है मेरी, इसलिए पूरा हम इसे आर पार कर देंगे। रिबन होगा तो और इजीली चला जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे जाने में दिक्कत हो रही है मोती को। ये देखिए निकाल देंगे, ये देखिए हमारा एक लुम्बा रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसे बनाया हमने, एकदम सिंपल है। लटकन आप रेडी ले सकते हैं, रेडी फूल ले सकते हैं अगर आपके पास में हो तो, इससे हमारी सिंपल एक। आइए अब दूसरा लुम्बा बनाते हैं। एक हमने बड़ी लटकन का बनाया है, देखिए भी छोटी सी लटकन जो आपको मैंने बताई थी, छोटी सी लटकन है उसका बनाएंगे। इस तरह का देखिए गोटे का फूल लिया है इस पर, और ये मैंने डोरी इस बार इस तरह की गोटे की डोरी जो आती है ना वही ली है इसमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस रिबन को हमने इसमें आर पार कर देना है। ये भी फिनिशिंग वाली बात है, जितना हम चीज़ें ध्यान में रखेंगे, बारीक बारीक चीज़ें, उतना हमारा फिनिशिंग अच्छी आएगी। हल्का सा ग्लू लेकर आपको इसे इस तरीके से चिपका देना है ताकि देखिए मजबूत हो जाए। डायरेक्ट लगाएंगे तो गिरने का डर रहेगा, अब जब हम डोरी में लगा देंगे तो गिरने का डर हमारा नहीं रहेगा, और दूसरी डोरी हमें इस पर ऊपर चिपका देनी है। इस तरीके से डोरी हमने चिपका दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्लू गन की हेल्प से इसे हम सेंटर में इस तरीके से लगाएंगे। अंदाजे से हम इसके ऊपर लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। ये सूखेगा तब तक जो हमारी ये बूटी है उसे लेंगे, उस पर उल्टी तरफ में हम अच्छे से ग्लू लगा लेंगे चारों तरफ में, सेंटर में। ये देखिए खूब अच्छे से हमने ग्लू ले लिया इस पर। अब इस बूटी को लगाना कैसे है, पूरा सेंटर में नहीं लगाएंगे, इसे ऑफ सेंटर कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, सेंटर से थोड़ा ऊपर लेकर हम इसे लटकन की तरफ से लगाते हैं। आगे से चिपकने के बाद में अब पीछे की तरफ हम बूटी लेंगे और इस पर अच्छे से ग्लू लेंगे। और इसे भी हम ऑफ सेंटर, जो पीछे ऊपर हमने लगाया था पीछे की तरफ, बिल्कुल लगा देंगे वैसे ही। ग्लू गरम रहेगा, ध्यान रखिएगा, और गरम ग्लू से ही चिपकाना ताकि हमारा कोई भी जॉइंट निकले नहीं बाद में ठंडा होने के बाद में। अच्छा गरम ग्लू करके फिर हमें चिपकाना है। ये देखिए सिंपल सा बहुत सुंदर लग रहा है, छोटा सा हमारा ये एक लुम्बा तैयार हो गया, छोटी लटकन से तैयार हो गया। ऐसी लटकन आप देखिए बहुत ईजी है, घर पर ही बना सकते हैं। और इस तरह के गोटे का देखिए, अगर आपको फूल नहीं मिल रहा है तो इस तरह की गोटे की रिबन से आप इसे फूल बना के इस्तेमाल में ले सकते हैं, या कोई भी बूटी आप लेकर इसका बनाकर इसे काम में। आइए अब हम एक और तरह का लुम्बा बनाते हैं। दो लुम्बे मैंने आपको बताए लटकन वाले, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने बड़ा मोती लिया है, फ्लावर्स लिए हैं, ये ग्रीन डोरी ली है। ग्रीन डोरी को देखिए आप अंदाजे से लंबा कटिंग कर लीजिए, बिल्कुल अंदाजे से ये कटिंग है। और इसमें सबसे पहले हम एक सिंगल मोती पिरो लेंगे और इसे सेंटर में कर देंगे।
इस तरीके से, ठीक है। अब इसी धागे को एक साथ कर कर इसमें हम ये बड़ा मोती पिरो लेंगे और फिर से हम एक छोटा मोती पिरोएंगे इसमें, एकदम अलग तरह का है ये। अगर आपको ऐसी बड़े मोती नहीं मिल रहे हो तो कोई भी प्लास्टिक बॉल मिलती हो तो वो आप उस पर बना सकते हैं इसे, या कोई स्पंज हो राउंड में आपके पास में जो आते हो, या बड़ा मोती ही हो तो बहुत अच्छा है। देखिए एक सार मैंने कर दिया है और ये देखिए आगे पीछे आप देख रहे होंगे इस तरह से मोती है। हल्का सा अब हम यहाँ पे ग्लू लगाकर इसे टाइट कर देंगे ताकि हमारा मोती निकले नहीं, हिले नहीं, और जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ भी हम ग्लू लगा देंगे और मोती को हम इसमें इस तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करने के बाद में अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्लावर्स जो हमने हैं इसके पीछे की पूरी बड़ी डंडी हमने कटिंग कर दी है, अब इस पूरे मोती पर हमें फ्लावर्स लगाने हैं। एकदम सिंपल तरीका है, नीचे की तरफ से मैंने शुरुआत की है, पास पास में ग्लू लगाते जाएंगे। मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है, अगर ग्लू गन ना हो तो आप फेविकोल से लगाएं या कोई भी ऐसी चिपकाने वाली चीज जिससे चिपक जाए और निकले नहीं। ये देखिए इस तरह से लगने के बाद में अब पूरे मोती को हमने कवर करना है इसी तरह से फ्लावर लगाकर। अब देखिए पास पास में मैंने ग्लू लगाती जा रही हूँ और इसे मैंने ये शाइन वाला मोती इसलिए लिया है कि अगर कहीं से गैप भी हो, अगर दिखे भी तो सुंदर लगे, इसलिए मैंने थोड़ा शाइन वाला लिया। अगर आप प्लास्टिक बॉल ले रहे हैं तो उसे कपड़े में लपेट लें, कोई शाइनिंग कपड़े में, तो भी बहुत सुंदर लगेगा, और थोड़े थोड़े गैप पे लगाएंगे तो भी सुंदर लगेगा। ये अपनी क्रिएटिविटी है, आप कैसे भी इसे लगा सकते हैं। ये देख रहे इस तरह से हमें पूरा बॉल ये कवर करना है फ्लावर्स से। ये देखिए पूरा मोती हमारा फ्लावर्स से कवर हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए हमने दो धागे रख रखे हैं, अब इन दोनों धागों में हम अलग अलग मोती पिरोएंगे, छह छह मोती हम पिरो देंगे इनमें। ये मोती आप अपने अंदाज से भी पिरो सकते हैं, मैंने अंदाजा छह छह मोती लिया है, आप ज्यादा कम लंबाई के हिसाब से कर सकते हो। इसमें वेरिएशन के लिए आप देखिए ये मैंने थोड़ी सी मीडियम बॉल ली है, आप थोड़ी और छोटी छोटी सी ले लीजिए मोती लेके, उस पर फ्लावर लगा के तीन का बंच बना के बना सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएशन दे सकते हैं इसमें। ये देखिए हमने छह छह मोती पिरोए, अब हमें क्या करना है, छह मोती पिरोने के बाद में दोनों धागे हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसमें एक मोती और पिरो देंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके का हमने कर लिया है और हल्का सा इधर ग्लू लगाकर इसे टाइट कर देंगे ताकि जैसा हमारा लगा है वैसा ही ये बना रहे। हल्का सा ग्लू लेंगे और इसे इस तरीके से ये देखिए टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में हम ऊपर के सिरे को आपस में दो गांठ लगा देंगे ताकि ये डोरी थोड़ी पतली है, मोती स्लिप होके बाहर नहीं है। ऐसे तो हमने ग्लू लगा दिया तो नहीं आएगा, फिर भी बाई चांस ग्लू अगर निकल जाता है तो भी आपका स्लिप ना हो, हमने दो गांठ इसमें लगा दिया। ये देखिए ये हमारा एक और फैंसी लुम्बा तैयार हो गया।
आज के वीडियो में देखिए हमने अलग अलग वैरायटी के जो मैंने आपको सामान बताया था उससे देखिए कितनी अलग अलग तरीके के हमने लुम्बे बनाए। ये देखिए हमने बड़ी लटकन के साथ में लुम्बा बना के तैयार किया है, ये देखिए छोटी लटकन के साथ में हमने लुम्बा बनाया है अलग अलग तरह का, और ये देखिए एकदम अलग कुछ डिफरेंट हमने बॉल्स फ्लावर बॉल्स बनाए हैं इसके, लुम्बे के रूप में बनाए हैं इसे हमने। ये हम गर्ल्स को बांध सकते हैं, लड़कियों को बांध सकते हैं, थोड़ा फ्लावरी है तो अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप के हमारे लुम्बे जो हमने सीखे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।